मंदिर से लौटते समय भूलकर भी न करें ये गलतियाँ, घर में आती है दुख और गरीबी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए कोई भी इंसान गलती से भी भगवान की पूजा अर्चना में कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके से की गई पूजा से भगवान नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। आज की वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि वे कौन से काम हैं जो हमें पूजा करते हुए और मंदिर से वापस आते हुए नहीं करने चाहिए। एक, प्रसाद को रास्ते में नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंदिर से मिलने वाले प्रसाद और जो प्रसाद आप घर से भगवान जी को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, उसे कभी भी मंदिर से वापस आते हुए रास्ते में नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार मंदिर से मिले प्रसाद को अपने घर के प्रसाद में मिलाकर पूरे परिवार को बांटकर एक साथ ग्रहण करना चाहिए। दो, खाली लोटा घर नहीं लाना चाहिए। जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जल से भरा लोटा अपने साथ जरूर लेकर जाएं। वह जल भगवान शिव को अर्पित करें, साथ ही मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ को भी जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जल में कुछ दाने चावल के अवश्य डालें और चावल के दाने खंडित यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मंदिर में जल अर्पित करने के बाद गलती से भी खाली लोटा घर लेकर ना जाएं, इससे घर में वृद्धि रुकती है। इसलिए जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा लें। यदि भूल से सारा जल अर्पित कर दिया है तो मंदिर में मौजूद नल से लोटे में थोड़ा सा जल जरूर भर लें। इसके बाद घर वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल बिखेरें, फिर पूरे घर में उस जल के छींटे मारें। वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े इस नियम का पालन नहीं करता, उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तीन, मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी ना बजाएं। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या मंदिर से बाहर निकलते समय भी घंटी बजानी चाहिए। कई लोग एक दूसरे को देखकर और बिना कारण जाने ही मंदिर से निकलते हुए भी घंटी बजा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको मंदिर से बाहर निकलते हुए घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इससे आप मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। चार, मंदिर से लौटकर तुरंत पैर ना धोएं। ज्योतिष के हिसाब से जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद घर आता है तो उसे गलती से भी पैर नहीं धोना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए, यह पवित्रता को दर्शाता है। लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा करने के बाद घर वापस जा रहे हैं तो भूलकर भी पैर नहीं धोना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर आप मंदिर से घर आकर अपने पैर धोते हैं तो इससे सौभाग्य में कमी आने लग जाती है, साथ ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए मंदिर से घर आकर पैर नहीं धोना चाहिए। मंदिर से घर आकर पैर धोने से मंदिर में किए गए पूजा पाठ का शुभ फल समाप्त हो सकता है और परेशानियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं, इसलिए मंदिर से आकर तुरंत पैर ना धोएं। पाँच, प्रसाद में मिले फूल का क्या करें। जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के साथ आपको दे देते हैं, जिन्हें आप भगवान का आशीर्वाद समझकर श्रद्धा भाव से ले लेते हैं। लेकिन जब ये फूल ले लेते हैं तो इसके बाद क्या करना चाहिए। अधिकतर लोग मंदिर से मिले फूल को वहीं छोड़ आते हैं या घर लाकर किसी कोने में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर का पुरोहित आपको जब फूल दे तो उसे अपनी आँखों में लगाएं।
इसके बाद अपने हृदय में लगाकर कानों के ऊपर थोड़ी देर जरूर रखें। कानों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार ये कर्ण यानी कान ही है। क्योंकि आप कान के द्वारा ही कथाएं आदि सुनते हैं, जिसके उपरांत ही आपके अंदर देवी देवता के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। इसके बाद आप उस फूल को अपने घर ले आएं, घर में लाल या फिर पीले कपड़े में लपेटकर अलमारी, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 6. मंदिर में माचिस भूलना। शिव पुराण में इस बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को मंदिर जाते समय हर एक चीज घर से लेकर ही जाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप भूलवश मंदिर में माचिस भूल आए हैं तो आपको बहुत ही अधिक पुण्य कमाएंगे। एक छोटी सी माचिस जो आग का कारक मानी जाती है, मंदिर में अगर आप इसे भूलकर आ गए हैं और दूसरे व्यक्ति इस माचिस से दीपक जलाते हैं तो समझ ले कि उनके सारे पुण्य भी आपकी झोली में आ जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।